दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार ब्लॉग वीडियो बनने वाला दोस्तों, क्योंकि आज मैं अपने कबूतरों का केज की सफाई करने वाला हूँ भाई। क्योंकि कबूतरों का जो केज था वो बहुत ही गंदा हो चुका था और गंदगी को देखते हुए हमने सोचा जो है एक बार जो है फिर से कबूतरों का केज की सफाई करते हैं और आपको पूरी डिटेल से दिखाते हैं। और जो है अगर हम बराबर तरीके से जो है कबूतरों का केज की सफाई करते रहेंगे तो हमारे जो कबूतर हैं काफ़ी हेल्दी रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फिलहाल जो कबूतर के बच्चे हैं उसको भी दिखाएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैक कैमरा करके आपको नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड जो हमारे कबूतरों का केज है, फिलहाल जो है अभी चलते हैं कबूतरों के केज का जो अंदर का नज़ारा है आपको दिखाते हैं, उसके जो बच्चे हैं उसको भी दिखाते हैं। तो पहले हम जो है कबूतरों के केज को खोलेंगे। इस साइड जो ईंट रखा है हमने इसको हटाएंगे और उसके बाद जो है हम केज को खोलेंगे। तो ये है भाई अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई। फिलहाल जो है इस साइड जो है बच्चे भी हैं, तो बच्चे को मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। तो ये देख सकते हैं इस साइड जो है बच्चा है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस बार जो है बच्चे जो हैं ये ब्लैक हो चुका है भाई, ब्लैक और वाइट में। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भाई भाग भाग के अंदर जा रहा है। ये देख सकते हैं ये बच्चा है, ये देख सकते हैं ये है बच्चा भाई कबूतर का। और ऐसे ही एक बच्चा और है उसको भी दिखाते हैं। तो ये भाई तो चला गया अंदर, और इस साइड एक बच्चा है। तो ये देख सकते हैं ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से बच्चे हैं भाई, आप देख सकते हैं। और हूबहू जो है टाइगर की तरीके से हैं भाई, आप देख सकते हैं। और ये बच्चा जो है काफ़ी अच्छा नस्ल का बच्चा है भाई। तो फिलहाल जो है अभी पूरे पंख नहीं आए भाई, और लगातार जो इनके पंख आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं खुद ब खुद ये चल रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये दोनों हमारे कबूतर इस साइड हैं। और इधर पानी हमने रखा था क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही, इसलिए केज के अंदर ही पानी रख दिया था। तो अभी देख सकते हैं अंदर जो है कुछ इस तरीके से हमारे कबूतर हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम जो है दोनों कबूतरों को बाहर जो है लेके चलेंगे पूरा केज ही, और बाहर सफाई करेंगे। और ये दोनों जो कबूतर हैं इनको जो है उड़ाएंगे। उड़ाने के बाद जो है हम पूरी केज की सफाई करेंगे, और ये दोनों बच्चे जो है उसको निकाल कर जो है एक गत्ते में रखेंगे। उसके बाद जब केज की सफाई हम लोग कर देंगे तो उसके बाद जो है फिर से जो है बच्चे को इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारा जो है काम हमको करना पड़ेगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। और जो है चलिए मैं फटाफट सफाई करता हूँ, देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा गंदगी हो चुका है। तो चलिए फटाफट सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कसब भाई हमारे साथ हैं, जो हमारे खाला के लड़के हैं। तो फिलहाल जो है खोल रहे हैं, देख सकते हैं केज को, और निकालेंगे जो है अंदर जो हमारे कबूतर हैं उनको उड़ाएंगे। तो अभी देख सकते हैं इस तरीके से निकाल रहे हैं और कबूतर को इस तरीके से निकालेंगे। भाई पहले कबूतर दिखा। तो ये देख सकते हैं ये कबूतर है, और इधर कसब भाई हैं। तो अभी जो है कसब भाई इन कबूतरों को उड़ाने वाले हैं। तो उड़ाइए कसब भाई। तो ये देख सकते हैं उड़ के गए दोनों कबूतर, ये भाई काफ़ी लंबे निकल गए। तो ये उड़ रहे हैं इस साइड, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इधर आ रहे हैं, जूम नहीं करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं खुद ब खुद आ रहे हैं कबूतर, ये देख सकते हैं इस साइड, इधर इधर आ रहा है भाई एक कबूतर, ये जा रहा है। ये देख सकते हैं ये छत पर आ गया भाई, ये देख सकते हैं ये इस साइड निकल गया। तो इस तरीके से कबूतर को उड़ा दिया कसब भाई ने। तो फिलहाल जो है अभी हम जो है कबूतरों का केज की सफाई करेंगे, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा है केज। तो चलिए इसको सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं केज की अच्छे तरीके से सफाई हमने कर दिया है, और अंदर आप देख सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से सफाई हो चुका है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड जो है, इस साइड जो हमारे कबूतर हैं भाई, ये देख सकते हैं इधर पानी पीने के लिए आए थे नल के पास,
और फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि जो है जो अंदर जो मैं डालता हूं तो इस साइड हमने इसको धुलाई करके सफ़ा कर दिया है, और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड जो है हमारे कबूतर पानी पीते हैं। इधर थोड़ा सा मैं पानी चला देता हूं नल के पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे कबूतर अच्छे तरीके से पानी पी लेते हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ धूप है भाई, बहुत ही तगड़ी धूप हो रही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो है हमने कबूतरों का केज की सफाई अच्छे तरीके से कर दिया। अगर आप भी कबूतर पालते हैं और कबूतर का शौक करते हैं तो आप जो है कबूतरों का केज की सफाई 15 से 20 दिन पे जो है कर दिया करो, जिससे आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे और काफी हेल्दी रहेंगे। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।